वेलकम बैक टू द शो। वहीं इसी पॉइंट से इस कॉन्टेक्स्ट को मजीद कैरी ऑन करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, बताइएगा एक इकोनॉमिस्ट साइड से भी, मैं इस लिहाज से इसका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूं कि जो नेशंस, जो कौमें इस चीज को इंटरफेथ हार्मनी और सही मायनों में सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस करती हैं, पाकिस्तान की बुनियाद भी हम जानते हैं, जैसे कि राव साहब भी बता रहे थे कि इटसेल्फ कायद आजम साहब ने भी इस बेसिस पे रखी थी, तो सर ये बताइएगा उनको इंटरनेशनली इस तरह की कौमों को या स्टेट्स को कौन सा वो एज हासिल होता है जो इसके बरक्स दूसरियों को नहीं होता। शुक्रिया, बहुत बहुत बुरा। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, उस टॉपिक पे आता हूं जो आपने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने ये इंटरफेथ हार्मनी में ये स्टेप उठाया और उन्होंने इस तरह के फंक्शंस में शिरकत की। बात सारी ये है कि आप अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझसे बात करते हैं तो मैं एक बात ये कहूंगा कि जुदा जुदा हैं सूरतें लेकिन लहू का रंग एक है। कोई भी मजहब हो आपका, पाकिस्तानी अगर आप हैं तो हम सबको पाकिस्तान की फिक्र है, इसकी बिगड़ती हुई मईशत की फिक्र है, इसके गिरते हुए एक्सपोर्ट की फिक्र है, इसके बढ़ते हुए इम्पोर्ट की फिक्र है। तो हम सबको मिलकर के इस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना है। उसमें आपको फिर कोई मजहब नजर नहीं आता, आपको कोई डिफरेंट सूटें नजर नहीं आती। हम सबको एक पाकिस्तानी होने की ऐसे से मिल करके अपने मुल्क के लिए काम करना है। बात बहुत अच्छी राव साहब ने कही कि इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की सब जरूरत है कि किस तरह हम सब के सब एक पाकिस्तानी सोच रखें और हम बाद में सोचें कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या कुछ भी हैं। देखिए, एक बात जो बहुत वाजे और फैक्ट है, अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, विनू साहब ने इतनी अच्छे तरीके से हमें समझाया इन तमाम बातों को, कि अगर आप सिर्फ कराची का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम कराची में बैठे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस शहर के बानी, इस शहर के बनाने वाले, इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाने वाले, इस शहर को दुनिया के शहरों में मुतारिक कराने वाले कौन है? हिंदू, नॉन मुस्लिम, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन। उन्होंने पार्क बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, दरगाहें बनाई, यूनिवर्सिटीज कायम की, ये सब इनकी बुनियादें हैं। तो कौन बात करता है कि इधर की उधर की बातें करने की बजाय हमें अपना फजूल बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम सब पहली सोच तो अपने आप को ये रखें कि हम पाकिस्तानी, चाहे मईशत की बात हो रही हो, चाहे मुल्क के इतिहाद की बात हो रही हो, चाहे सरहदों की बात हो रही हो, हम सब पाकिस्तानी हो। जब हम पाकिस्तानी हैं तो हम सब के रंग एक जैसे हैं, हम सब का लहू एक जैसा है, और किसी एक का लहू बहेगा तो दूसरे के लहू को तकलीफ होगी और वो अपना। देखिए, जब डिजास्टर आता है, जब रेंज आती है, जब सैलाब आता है, जब कोई भी परेशानी आती है, तो उस वक्त क्या ये थोड़ी सोचते हैं कि ये कौन है, ये कौन है? सब एक हो जाते हैं, सब मदद को तैयार रहते हैं। तो बात सारी है कि मेरा कहना और मानना यह है कि वी आर फर्स्ट पाकिस्तानी देन समथिंग एल्स। अगर हम पाकिस्तानी के एहसास से अपने आप को देखेंगे, पाकिस्तानी के एहसास से बात करेंगे, तो पाकिस्तान ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो जब पाकिस्तान पहले आएगा तो मईशत की बात हो, चाहे डिजास्टर की बात हो, इसकी तरक्की की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, या कोई भी बात हो, तो फिर पाकिस्तान की जब बात होगी तो सब मिलकर चलेंगे और अपने मुल्क के लिए सोचेंगे। जाहिर सी बात है, दुनिया की हर कौम में, हर मुल्क में अपनी नेशनलिटी से पहचाने जाते हैं। आपका पासपोर्ट आपके मजहब से नहीं है, आपका पासपोर्ट आपके मुल्क से। अब अगर जब आपका पासपोर्ट आपके मुल्क से है, तो जब सबस पासपोर्ट कहीं जा रहा था, इसका मतलब यह है कि आप हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप पहले पाकिस्तानी है। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके किसी किरदार से आपको मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा, आपके किसी अमल से आपके मुल्क का नाम खराब तो नहीं हो रहा। तो कोई भी कंडीशन हो, वी आर ऑल फर्स्ट पाकिस्तानी देन समथिंग एल्स। तो फिर आप देखें इंटरफेथ हार्मोनी कैसे नहीं नजर आएगी। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ बड़ा ख्याल नहीं रखा जा रहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम किसी कंपटीशन में नहीं है। ये हमारा चैलेंज नहीं है, ये हमारा बुखार नहीं है। हमारा बुखार, हमारा चैलेंज, हमारी तरक्की, हमारा सब कुछ पाकिस्तान। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां भी जाती हो रही है तो आप, हम कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हम एक कौम है, एक मुल्क है, एक मुट्ठी बंद है। और जब वक्त पड़े, आप क्रिकेट का मैच देख लें, स्टेडियम में आप जाएं, जब पाकिस्तान की टीम खेलती है तो किसी को नहीं नजर आता कि कौन सी जात किसकी है। सब पाकिस्तानी अपने प्लेयर्स को दाद दे रहे होते हैं। तो ये चीज हमें हर वक्त अपने अंदर कायम करनी है। तो त्यौहार की बातें हों चाहे त्यौहार की बातें ना हो, हमेशा हमें इस बात को देखना है कि हम सब एक हैं और हम पाकिस्तानी हैं और हमें मिलकर अपने मुल्क की तरक्की और इसकी मईशत की बेहतरी के लिए काम करना है। राइट, वही वाली बात है कि एक एज हासिल होता है जो सेक्युलरिज्म को सही मायनों में प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे ये जानूंगी कि वो एज क्या होता है फॉर दोज़ पर्टिकुलर।